So very good morning to all of you. Beta, yesterday we were discussing about the consumer redressal machinery, which the Consumer Protection Act has provided to us. So there is a three-tier machinery to provide justice to the consumer. One is at district level, which is known as District Consumer Dispute Redressal Forum, shortly known as District Forum, right? Second is at state level, State Consumer Dispute Redressal Commission, shortly known as State Commission. Both these forums or commissions or bodies are the responsibility, or they are set up by the state government, their respective state government. And at the top level is the National Consumer Dispute Redressal Commission, shortly known as National Commission. So yesterday we discussed about these two forums. District forum mein aap tab jayenge jab aapki jo compensation aap claim kar rahe hain aur jo goods and services ki value hai wo 20 lakh rupees se kam hai. Then you will approach district forum. ठीक है, लेकिन अगर आपकी कंपनसेशन की अमाउंट और आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की अमाउंट जो कि डिफेक्टिव निकली है, ठीक है, उनकी अगर उनको मिला के कंपनसेशन प्लस दी वैल्यू ऑफ गुड्स, इनको मिला के आपकी जो वैल्यू बनती है दैट एक्सीड्स ₹20 लाख बट इज लेस देन ₹1 करोड़, देन यू हैव टू फाइल योर कंप्लेंट इन द स्टेट कमीशन. ठीक है. सेकेंडली, अगर एग्रीव्ड पार्टी डिस्ट्रिक्ट फोरम में सेटिस्फाइड नहीं है, अगर कंज्यूमर या सेलर दोनों में से कोई भी डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से सहमत नहीं है और वो फर्दर आगे मूव ऑन करना चाहता है जस्टिस लेने के लिए, देन ही कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेंट टू द स्टेट कमीशन, बट within the 30 days of the jab tak within 30 days of passing the order of the district forum. theek hai, so ye ho gaya hamara state commission ke bare mein. I hope it is clear. All right, another thing, agar aap state commission ke faisle se satisfied nahi hai, chahe wo consumer hai chahe wo seller hai, dono mein se jo bhi aggrieved party hai, अगर वो स्टेट कमीशन के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है तो ही कैन अपील बिफोर द नेशनल कमीशन, बट विद इन द 30 डेज ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर. ठीक है, लेट अस से जनवरी 5 को फैसला आया, स्टेट कमीशन ने सुनाया और वो कंज्यूमर के फेवर में नहीं था. अब कंज्यूमर नेशनल कमीशन में जाना चाहता है, वो इस फैसले से सहमत नहीं है, ठीक है, वो फर्दर लड़ना चाहता है, इसको जस्टिस लेना चाहता है, तो 5 फरवरी तक अगर वो अप्लाई कर देता है नेशनल कमीशन में तो उसका उसकी जो सुनवाई होगी नेशनल कमीशन में. लेकिन अगर वो 30 डेज के बाद अप्लाई करता है कि मैं भी ऐसे ऐसे मेरा स्टेट कमीशन ने ये फैसला सुनाया है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, तो मैं फर्दर इसको अपील करना चाहता हूँ, तो नेशनल कमीशन में वो 7 फरवरी को चला जाता है, तो उस केस में उसका फैसला जो है यहाँ पे नेशनल कमीशन में नहीं माना जाएगा. रीजन बीइंग 30 डेज निकल चुके हैं, तो विद इन 30 डेज ऑफ द पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन द एग्रीव्ड पार्टी कैन अप्लाई इन द नेशनल कमीशन. ठीक है, अब नेशनल कमीशन क्या है इसके बारे में देखते हैं. पहली बात, नेशनल कमीशन जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के लेवल का होता है, किसी स्टेट लेवल का नहीं होता. नेशनल कमीशन का स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें एक प्रेसिडेंट होता है और एटलीस्ट 4 मेंबर्स होते हैं. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर थे, स्टेट कमीशन में एक प्रेसिडेंट और कम से कम 2 मेंबर्स थे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और नेशनल कमीशन में पार्लियामेंट और कम से कम 4 मेंबर्स होते हैं, वन ऑफ होम शुड बी अ वुमेन. ठीक है, नाउ हु अपॉइंट्स दिस नेशनल कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, अब नेशनल कमीशन में आप कब कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. 1, व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन क्वेश्चन अलोंग विद द कंपनसेशन क्लेम्ड
एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीस। ठीक है, आपने जो भी कंप्लेंट फाइल की है उसकी जो आप कंपनसेशन डिमांड कर रहे हैं अलॉन्ग विद द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव एज पर यू, सो अगर ये दोनों मिला के अमाउंट जो है 1 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई ओनली इन द नेशनल कमीशन। 1 करोड़ से ज्यादा वाली कंप्लेंट जो है वो स्टेट कमीशन में नहीं फाइल की जा सकती। ठीक है, सो 1 करोड़ से ज्यादा आपकी अगर कंपनसेशन और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन क्वेश्चन 1 करोड़ से ज्यादा है, यू हैव टू अप्लाई इन द नेशनल कमीशन। सेकेंडली, द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट कमीशन कैन ऑल्सो बी फाइल्ड बिफोर द नेशनल कमीशन। अगर आप स्टेट कमीशन के फैसले से सहमत नहीं है, चाहे वो कंज्यूमर है चाहे वो सेलर है, जो भी एग्रीव्ड पार्टी है, ठीक है, वो स्टेट कमीशन के फैसले से अगर सहमत नहीं है, तो विद इन 30 days ऑफ द पासिंग ऑफ ऑर्डर बाय द स्टेट कमीशन द एग्रीव्ड पार्टी कैन अप्लाई इन द नेशनल कमीशन। ठीक है, इज इट क्लियर? सो नेशनल कमीशन क्या करेगा जब उसके पास कंप्लेंट आई है? वही सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले जो कंप्लेंट आई है जिस पार्टी के अगेंस्ट आई है उसको वो कंप्लेंट रेफर कर देगा, ये आपके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है। और अगर कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं कंप्लेंट में लिखे हुए जिसकी लेबोरेटरी में टेस्टिंग होनी जरूरी है, तो वो लेबोरेटरी में जाके उसकी अपनी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी होती है, गवर्नमेंट की अपनी टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती है, वहां पे उसकी टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट के बेसिस पर और सेलर की हियरिंग को सुनने के बाद नेशनल कमीशन अपना फैसला सुना देता है। ठीक है, अब जो फैसला नेशनल कमीशन ने सुना दिया, अगर वो स्टेट कमीशन वाला था, ठीक है, तो वो नेशनल कमीशन, आप स्टेट कमीशन पे सेटिस्फाइड नहीं थे, आपकी कंपनसेशन की अमाउंट 1 करोड़ से कम थी, तो आपने स्टेट कमीशन में कंप्लेंट फाइल की थी। ठीक है, अब अगर आप स्टेट कमीशन के फैसले से सहमत नहीं हुए, आपके अगेंस्ट दे दिया स्टेट कमीशन में, आपने नेशनल कमीशन में अप्लाई कर दिया, कंप्लेंट फाइल कर दी। अब नेशनल कमीशन ने भी लेटर से आपके अगेंस्ट फैसला सुना दिया, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। द डिसीजन ऑफ द नेशनल कमीशन विल बी डीम्ड एज फाइनल, इसको हम फाइनल मानेंगे। ठीक है, इसके अगेंस्ट आप फर्दर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आप इसको अपील नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में। हाँ, वो कंप्लेंट जो कि नेशनल कमीशन की ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन में थी, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन मींस वो कंप्लेंट जो आपने फाइल की थी क्योंकि आपकी गुड्स की वैल्यू और कंपनसेशन जो आप डिमांड कर रहे हैं वो 1 करोड़ से ज्यादा थी। ठीक है, तो आपने नेशनल कमीशन में कंप्लेंट फाइल की थी। अब अगर आप नेशनल कमीशन के फैसले से सहमत नहीं है, यू कैन फाइल योर कंप्लेंट बिफोर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, विच मीन्स द ऑर्डर पास्ड बाय द नेशनल कमीशन इन अ मैटर ऑफ इट्स ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन, उसकी ओरिजिनली उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में ही था, स्टेट कमीशन से नहीं आया था, ओरिजिनली नेशनल कमीशन की ही ज्यूरिस्डिक्शन का जो ऑर्डर था, दैट इज अपीलेबल बिफोर सुप्रीम कोर्ट। मतलब कंज्यूमर केस सुप्रीम कोर्ट तक तभी जा सकता है अगर कंपनसेशन की अमाउंट और गुड्स एंड सर्विसेज की अमाउंट मिला के 1 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, यानी वो फैसला जो कि नेशनल कमीशन की ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन में था, सिर्फ वही अपीलेबल है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट या स्टेट कमीशन वाला केस अपील उस सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आर द रिलीफ्स अवेलेबल। अगर लेट अस से कंज्यूमर कोर्ट ने, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट फोरम है चाहे स्टेट कमीशन है या नेशनल कमीशन है, कंज्यूमर के फेवर में फैसला दे दिया, ठीक है, उसको लगा कंज्यूमर की कंप्लेंट जो है जेन्युइन है, तो वो उसने उसके फेवर में फैसला दे दिया, यानी कंज्यूमर को क्या रिलीफ मिलेगा। ठीक है, व्हाट आर द रिलीफ्स
विच दी कंज्यूमर, कल को आपको भी हो सकता है कोई आपका आपको कोई एक्सप्लॉइट करे, आपका कोई राइट वॉयलेट करे, तो उस केस में अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करते हैं तो आपको कौन कौन से रिलीफ्स अवेलेबल हैं। सो लेट अस सी, दीज आर दी फॉलोइंग, दीज आर दी रिलीफ्स अवेलेबल टू दी कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर कोर्ट जो है, जो ऑपोजिट पार्टी है सेलर को, इनमें से कुछ भी डायरेक्शंस दे सकता है, ठीक है। नंबर वन इज टू रिमूव दी डिफेक्ट इन गुड और डेफिशिएंसी इन सर्विस। लेट अस से आपने कोई कार ली, कार की बैटरी खराब निकली, आपने कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई किया और आपके फेवर में फैसला गया, तो उस केस में जज या जो भी जज है वो क्या फैसला देगा, वो सेलर को बोलेगा कि आपकी कार की जो बैटरी है, ठीक है, उसको उसमें जो डिफेक्ट है वो रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। और डेफिशिएंसी इन सर्विस, लेट अस से आप किसी टैक्सी आपने हायर की, आपने एसी कैब के पैसे दिए लेकिन थ्रू आउट उसका एसी नहीं चला, ठीक है, तो उस केस में अगर आपके फेवर, आपने केस कर दिया, अब आपके फेवर में गया, तो वो जो सर्विस की डेफिशिएंसी थी वो रिमूव करने को बोल सकता है जज ऑपोजिट पार्टी को, ठीक है। दिस इज वन रिलीफ अवेलेबल। सेकंड, टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद अ न्यू वन व्हिच इज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। सो अगेन पहला वाला केस लेते हैं, बैटरी खराब निकली, तो वो कह सकता है कि बैटरी रिप्लेस कर दो, ठीक है। पहले केस में क्या था, उसने कहा डिफेक्ट रिमूव कर दो, जो बैटरी में डिफेक्ट है वो रिमूव कर दो, ठीक है, या कार खराब निकली और कार की देखा बैटरी खराब है तो बैटरी को रिमूव कर दो, ठीक है, और अगर लगा कि नहीं डिफेक्टिव प्रोडक्ट यानी कार ही नहीं चल रही है तो रिप्लेस्ड नई कार उस पुरानी कार के बदले वो कह सकता है देने को, ठीक है। टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद अ न्यू वन व्हिच इज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, ओके। थर्ड, टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट एंड द चार्जेस पेड फॉर द सर्विस। तो अगर आपका राइट वॉयलेट हुआ है, आपने किसी प्रोडक्ट के लिए प्राइस दिया है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है और आपके फेवर में फैसला जाता है, तो जज ये कह सकता है सेलर को कि आपको आपके पैसे जो आपने पे किए थे उस प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए आपको वापस कर दिए जाए, ठीक है। नेक्स्ट, टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर बाय द कंज्यूमर ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द ऑपोजिट पार्टी। तो अगर आपने, आपका केस कुछ इस तरह से है कि आपको कुछ नुकसान हो गया है उस प्रोडक्ट को यूज करने से, तो उस केस में आपके जितना नुकसान हुआ है वो जज कह सकता है सेलर को कि वो उतनी अमाउंट से आपको कंपनसेशन दे दी जाए, ठीक है। वॉट एवर लॉस यू हैव सफर्ड यू विल बी पेड अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर दैट लॉस, राइट। नेक्स्ट, टू पे प्यूनिटिव डैमेजेस इन एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस। तो प्यूनिटिव मीन्स पनिशेबल। तो लेट अस से कि आपका कुछ ऐसा कोई आपके फेवर में फैसला गया है और कुछ ऐसा था, कोई सर्विस है या कोई भी गुड्स हैं। बेटे इज द स्क्रीन विजिबल? गिव अ थम्स अप, आई जस्ट गॉट अ मैसेज, मेरे को लग रहा है कि ओके फाइन इट्स विजिबल, ओके। तो टू पे प्यूनिटिव डैमेजेस, प्यूनिटिव मीन्स पनिशेबल, पेनालिटी। आपने कुछ ऐसा काम किया है जिससे कि कंज्यूमर की पीस ऑफ माइंड खराब हो गई है या उसको नुकसान हुआ है, तो एक तो आप उस प्रोडक्ट को या कंज्यूमर को कंपनसेट करने के लिए भी दिया कहा जा सकता है, उसके साथ साथ प्यूनिटिव डैमेजेस यानी आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जा सकती है कि आपने कंज्यूमर को इस तरह से एक्सप्लॉइट किया है तो आपको ये पेनाल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। देन The seller may also be asked to discontinue the unfair or restrictive trade practice and not to repeat it in the future. तो seller को कहा जा सकता है कि ये जो आप practice कर रहे हो उसको बंद कर दो और इसको future में आपने नहीं करना. Then, not to offer hazardous goods for sale. कोई भी products हैं जो कि hazardous हैं, कोई medicine हो सकती है या कोई fake India में adulterated चीजें कितनी बनती हैं, तो एडल्ट्रेटेड मिठाई किसी ने बेची या एडल्ट्रेटेड कोई और चीज बेची तो कंज्यूमर ने कंप्लेंट कर दी, तो उस केस में फैसले में ये सुनाया जा सकता है, सेलर को कहा जा सकता है कि ये हैजर्डस गुड्स जो हैं वो सेल ना करें। एंड
टू विदड्रॉ द हैजर्डस गुड्स फ्रॉम सेल. मैंने आपको शायद पहले भी एग्जाम्पल दी थी मैगी की, ठीक है, जब ये आया था कि किसी ने फाइल किया था कि मैगी में ऐसे लेड है, ठीक है, तो फिर उस केस में यही फैसला आया था कोर्ट का कि ये जो हैजर्डस गुड्स हैं वो जितने भी हैजर्डस गुड्स मार्केट में पड़े हुए हैं उनको रिमूव कर लिया जाए, विदड्रॉ कर लिया जाए. सो इफ यू रिमेंबर ऑल दी मैगी वॉज विदड्रॉन फ्रॉम दी शेल्स ऑफ ऑल दी स्टोर्स, राइट. देन टू सीज द मैन्युफैक्चर ऑफ हैजर्डस गुड्स एंड टू डिजिस्ट फ्रॉम ऑफरिंग हैजर्डस सर्विसेज. फिर सेलर को ये भी कहा जा सकता है ये हैजर्डस गुड्स जो आप बना रहे हैं इनको बनाना बंद कर दो और हैजर्डस सर्विसेज को ऑफर ना करो. देन टू पे एनी अमाउंट नॉट लेस देन 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव गुड टू बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड. सो क्योंकि जब ये सारी कंज्यूमर कोर्ट में फैसले आते हैं तो गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज ऑफर करती है, तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि आपने इस तरह से करके एक तो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया, साथ में हमारा टाइम वेस्ट और हमारे फंड्स जो हैं वो यूज हुए हैं, तो एज ए पेनालिटी जितने जो डिफेक्टिव गुड्स की वैल्यू है उसका कम से कम 5% उसको कहा जा सकता है किसी भी कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट करवाने के लिए, ठीक है. So these are certain, you know, okay, two more are there. To issue corrective advertisements to neutralize the effect of misleading advertisement. Agar consumer ne jo complaint file ki hai, it is regarding the misleading advertisement. Ke jo us product ki advertisement thi, usko dekh ke usne ye product khareed liya, lekin jo ye advertisement claim kar rahi thi, wo nahi ho paaya. Theek hai? तो उस केस में आपने केस फाइल कर दिया कि भाई क्लेम ये कर रहे हैं और मेरे को इतनी देर से मैं यूज कर रहा हूं लेकिन ये इनका जो क्लेम है वो नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, मेरे को इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है. तो उस केस में अगर कोर्ट कंज्यूमर के फेवर में फैसला सुनाता है तो वो सेलर को कह सकता है कि आपने ये जो पहले मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दी थी उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एक करेक्टिव एडवर्टीजमेंट इशू करिए, ठीक है, एक ऐसी एडवर्टीजमेंट जिसमें बताया जाए कि हमारी प्रीवियस एडवर्टीजमेंट जो ये क्लेम कर रही थी वो ऐसा नहीं है, रादर दिस प्रोडक्ट सेट इज मेड फॉर दिस पर्पस, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया था फेयर एंड लवली है, तो अगर वो उसको यूज करके कोई फेयर नहीं होता है तो आपको फिर ये करेक्टिव एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी कि ये हम ये नहीं क्लेम करते कि आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाएगा, वी आर जस्ट क्लेमिंग दैट योर कॉम्प्लेक्शन विल बी इम्प्रूव्ड, इट विल नॉट यू नो लाइटन द कॉम्प्लेक्शन बट द स्किन मे अदरवाइज ग्लो, ठीक है, ओके. देन टू पे एडिक्वेट कॉस्ट टू द अप्रोप्रिएट पार्टी, अप्रोप्रिएट पार्टी को एडिक्वेट कॉस्ट, यानी अगर कंज्यूमर के फेवर में फैसला हुआ है तो वो एप्रोप्रिएट पार्टी यहाँ पे कंज्यूमर हो गई तो उसको एप्रोप्रिएट एडिक्वेट कॉस्ट पे की जाए, ठीक है, जो उसका खर्चा वगैरह आया है ये केस फाइल करने में, इट हैज टू बी पेड बाय द सेलर, ठीक है. सो रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओ, इट इज नॉट इन अवर सिलेबस विद दिस अवर दिस. So, beta, this is chapter 9, book 2. Chapter's name is Financial Management. ठीक है, तो अभी हमारे पास सिर्फ 5-7 मिनट है. So, उसमें we will be discussing कि हमने इस chapter से क्या सीखना है. Okay, the learning objectives of this chapter. Firstly, after studying this chapter, you will be able to explain the meaning of business finance. I'm sure कि आपने plus one में business finance का chapter पढ़ा हुआ है अच्छे से, so you already know the meaning of business finance, ठीक है, but because this chapter deals with financial management, तो of course हमें business finance का meaning आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा. उसके बाद the meaning of financial management. What is financial management? What does the financial manager of a firm do? And what is the role of financial management in any enterprise? Har enterprise bete finance se chalti hai.
आपको बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फाइनेंस फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको किस तरह से आपने मैनेज करना है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है हमारे एंटरप्राइज में, वो करेंगे। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड हाउ दे कैन बी अचीव्ड। हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, दिस ऑल्सो वी विल स्टडी इन दिस। देन वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है, तो उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग एंड व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंस, एंड ऑल्सो द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, बिफोर गोइंग एनी फर्दर आई वुड लाइक टू आस्क इफ एनी वन ऑफ यू इज वॉचिंग द सीरीज शार्क टैंक इंडिया। इट्स ऑन सोनी, इट्स अ रियलिटी शो। एनी वन ऑफ यू? ओके, मौलिक, तनीषा, ओके, आकृति। सो हैव यू लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दैट? आकृति, आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? यस मैम। ओके, व्हाट हैव यू लर्नड? व्हाई आर यू वॉचिंग इट? मैम, इन्वेस्टर्स आइडिया जो उन्हें अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है, प्रॉफिटेबल लगते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस का कितना परसेंटेज ओन करना है उस हिसाब से। आपने कुछ नई टर्म्स सीखी इसमें से? आपको पता चला कि आइडिया पिच करने का मतलब क्या होता है? यस मैम। ओके, क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय पिचिंग? अपना आइडिया प्रेजेंट करना कुछ नया। ओके, जो बिजनेस के बारे में बताना। ओके, सो ओके, एनी अदर टर्म? डेट, इक्विटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये पता चली है आपको टर्म्स? यस मैम। ओके, रेवेन्यू। हाँ जी, रेवेन्यू, ठीक है, ये आपके लिए नई टर्म्स नहीं है वैसे, ठीक है। तो इस चैप्टर से अगर आप ऑलरेडी देख रहे हैं वो सीरीज, आई वुड रिक्वेस्ट अदर्स आल्सो टू सी इट, एक एटलीस्ट एक दो एपिसोड्स देखें। इससे आपकी बेटे एक तो जीके बढ़ेगी, आपको पता चला कि बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ जिनके नाम हम वैसे नहीं याद रख सकते हैं, है ना, लेकिन बिकॉज वी आर वॉचिंग देम, 8-10 एपिसोड्स हमने देख लिए तो हमें उनके नाम पता चल जाते हैं। सो दे विल बी फॉर एवर इन अवर मेमोरी कि कौन लेंसकार्ट का सीईओ है और कौन यू नो एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स का सीईओ है, ठीक है। एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट डिफरेंट आइडियाज ऑफ द बिजनेस, हाउ डू दे पिच देयर आइडियाज, प्रेजेंट देयर आइडियाज, हाउ दे रेज देयर फाइनेंस, व्हाट इज डेट, व्हाट इज इक्विटी, इनके सबके बारे में आपको पता चलता है, ठीक है। सो ये इसी चैप्टर से हम रिलेट करेंगे, ये दोनों चैप्टर्स हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इसी से रिलेटेड हैं हमारे, ठीक है। सो इस चैप्टर अगर आप देख रहे हैं वो सीरीज तो रियली गुड फॉर यू, आपकी ये चीजें जो है आपको एक्सपोजर देती हैं बेटे, ओवरऑल आपकी ग्रोथ में हेल्प करती हैं, आपकी बुकिश नॉलेज सप्लीमेंट होती है इन चीजों से, ठीक है। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका नाम है। सो व्हाट आर इट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस केस स्टडी व्हिच इज गिवन टू अस, इट्स एक्चुअली न्यूज़पेपर क्लिपिंग, इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज आपको दी हुई है, ठीक है। सो इसको क्यों दिया गया है इस न्यूज, ये देखो द सोर्स इज द इकोनॉमिक टाइम्स। सो ये जो न्यूज है ये आपको क्यों दी हुई है इन्होंने, ये हम कल न्यूज पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इससे हमें क्या क्या यू नो चीजें पता चलती हैं, ठीक है। सो दैट वी विल डिस्कस।